Hi guys, this video में I'll talk about what happens when we use white light instead of monochromatic light in case of YDSC. ठीक है, तो YDSC में अभी तक हम यूज़ कर रहे थे एक सिंगल वेवलेंथ जो कि लैम्डा हम यूज़ कर रहे थे. अब हम एक वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं. वाइट लाइट में खास बात क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है, तो विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, वी गेट मैक्सिमाज एंड मिनिमाज ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स. ठीक है, हमें अलग अलग लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, क्योंकि बीटा सबके अलग अलग होंगे तो उनकी मिनिमाज और मैक्सिमाज की लोकेशन भी अलग अलग होंगी. ठीक है, कहीं हमें किसी का मैक्सिमा मिलेगा और उसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरी वेवलेंथ का मिनिमा हो, और ऐसा भी हो सकता है बाकी कुछ वेवलेंथ का वहाँ इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस हो रहा हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक स्क्रीन है. ठीक है, यहाँ से आपने ये दो सोर्सेस थे, ये सेंटर से कुछ दूर यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मान लो रेड का मैक्सिमा आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है ब्लू का यहाँ पर मिनिमा आ रहा हो, ब्लू का मिनिमा, और तो और ऐसा भी हो सकता है येलो का इंटरमीडिएट हो, ग्रीन का भी इंटरमीडिएट हो. तो हर जगह कुछ ना कुछ कलर बिल्कुल खिचड़ी टाइप बन जाएगा. ठीक है, तो विल नॉट गेट अ वेरी क्लियर पैटर्न, यू डोंट गेट अ क्लियर फ्रिंज पैटर्न. बट हाँ, हम ऐसा क्वेश्चंस, हमें पैटर्न फ्रिंज पैटर्न अच्छा दिखेगा नहीं, बट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे, मैक्सिमा ऑफ टू वेवलेंथ्स कोइंसाइड कर रहे हैं कहाँ पर, जैसे हमने बोला यहाँ रेड का मैक्सिमा और ब्लू का मिनिमा कोइंसाइड कर रहा है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इनका मैक्सिमा और दूसरी वेवलेंथ का मिनिमा कोइंसाइड करेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फेमस होते हैं इसमें. ठीक है, कोई भी एक केस हो सकता है, कुछ भी, दोनों के मैक्सिमा, दोनों के मिनिमा, एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा कहाँ मिल रहा है. ठीक है, अब एक और चीज़ नोट करते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ कोइंसाइड एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन. ठीक है, सेंटर पे क्या हो रहा है, सेंटर पर चाहे लैम्डा कुछ भी हो, पाथ डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है, और जीरो इक्वल टू एन लैम्डा लिखा जा सकता है प्रोवाइडेड एन इज जीरो. तो जीरो पर सबका जीरो तो ऑर्डर मैक्सिमा आएगा, चाहे वो बड़ी वेवलेंथ हो चाहे वो छोटी. ठीक है, सेंटर पे सबका मैक्सिमा, तो एट सेंटर वी गेट अ वाइट स्पॉट. सेंटर पे आपको क्या मिला, वाइट स्पॉट. ठीक है, और जैसे ही सेंटर से दूर गए, स्मॉलर वेवलेंथ विल हैव स्मॉलर फ्रिंज विड्थ, सो देयर मिनिमा एंड मैक्सिमा विल बी नियरेस्ट टू द, कहाँ, नियरेस्ट टू द सेंटर. सो द लोकेशन ऑफ, सो एट लोकेशन ऑफ मिनिमा ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ. हाँ, अब ये पॉइंट समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है, हमारे आँख को ना मेनली तीन कलर्स दिखते हैं. बड़ी वेवलेंथ में दिखता है रेड, इंटरमीडिएट में दिखता है येलो, और छोटी वेवलेंथ में दिखता है ब्लू. ठीक है, तो हम क्या बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये एक स्क्रीन है, और ये स्क्रीन है, यहाँ पर आपको ब्लू का मिनिमा मिल रहा है. ठीक है, या कहें छोटी वेवलेंथ का मिनिमा है, तो यहाँ बड़ी वेवलेंथ तो होंगी तो वो नज़र आएंगी. मीन सेंटर जहाँ वाइट स्पॉट था, उसके क्लोजेस्ट आपको कौन सा कलर दिखाई दिया, रेड. क्यों, वहाँ रेड का मैक्सिमा तो है नहीं, वहाँ छोटी वेवलेंथ का मिनिमा है. ठीक है, और दूर दूर जाएंगे तो थोड़ा दूर जाकर आपको रेड का मिनिमा मिलेगा, रेड का मिनिमा, बट वहाँ रेड की इंटेंसिटी तो है ही नहीं, तो आपको छोटी वेवलेंथ दिखाई देंगी जिनमें प्री डोमिनेट करेगी ब्लू. तो पैटर्न ऐसा लगता है, आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था रेड सबसे दूर, क्योंकि उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे बड़ी. बट हमारी आंखों को पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट, इनफैक्ट ऑपोजिट दिखता है, वाइट के पड़ोस में रेड, फिर दूर जाते हैं तो ब्लू मिलता है. ठीक है, और जबकि मैक्सिमा सबका, जो सबसे क्लोजेस्ट मैक्सिमा है वो ब्लू का है, और फिर
सबसे फार्देस्ट मैक्सिमा है रेड का, तो हमारी आंखों को जो पैटर्न मिलता है वो जो हम थोड़ा मैथमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं उससे डिफरेंट आता है। ओके, तो अब इसी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं।